आज मैं आपको साबूदाना का पोहा बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने साबूदाना लिया है। एक कप साबूदाना को रात में हमने धोकर भिगा कर रख दिया था। ये ऐसे फैले फैले बनेंगे। मूंगफली लिया है, दो मीडियम आलू को धो के काट लिया छोटे पीसेस में, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, जीरा एक छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, एक नींबू ले लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने दो टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है। मूंगफली डालेंगे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। मूंगफली हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। मूंगफली निकालने के बाद उसी तेल में हम जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकाने के बाद प्याज डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसको ढक कर आलू को गला लेते हैं। आलू गल गए हैं, अब हम इसमें कड़ी लीफ डाल देते हैं। कड़ी लीफ डालने के बाद लाल मिर्च डाल देते हैं, खड़ी वाली। एक मिनट तक इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें साबूदाना डालते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, हरा धनिया। साबूदाना को सागो भी बोलते हैं। मूंगफली डाल देते हैं। सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके एक मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। एक मिनट हो गए हैं, साबूदाना पक गया। अब हम इसमें नींबू का जूस डालते हैं। कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। साबूदाना का पोहा या खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी घर पर बनाइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।